हाय गाइस, आप सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ अपना इस YouTube चैनल पे। मैं मिस्टर केंजिम दोके बकरी पालता हूँ यहाँ पे पासीघाट में। ये पड़ता है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे मैं बकरी ये ग्रेजिंग पे ही पालता हूँ, मतलब चराव पे जंगल में ले जाके अपना बकरियों को यही खाने देता है। तो बकरी को जंगल में ले जाके खिलाने से, मतलब ग्रेजिंग पे रखने से क्या फ़ायदा होता है इन लोग के लिए और मेरे लिए क्या फ़ायदा होता है, तो उसको बताने के लिए ही मैं इस ये वीडियो बनाया है। तो आप लोग आखिरी तक बने रहिए और मेरा वीडियो अच्छी तरह देख दीजिए, ताकि आपको कोई आपका बीच में कोई बकरी पालने में इंटरेस्ट है, तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा बकरी को कैसा जंगल पे ले जाके खिलाता है और इसको जंगल पे खिलाने से क्या फ़ायदा मिलता है। तो बने रहिए, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स पे भी आप कमेंट कर देना। तो आपको मैं अभी दिखाना शुरू कर देता हूँ बकरी कैसा जंगल में जाके ग्रेजिंग करता है। तो देखिए, अगर हम बकरियों को जंगल पे ले जाता है तो इन लोग को बहुत खुशी मिलता है, क्योंकि इधर जितना अपना पसंदीदा पत्ते होते हैं उसको चुन चुन के खा लेता है, तो उन लोग को बहुत खुशी मिलती है। उसका साथ इधर बाहर पे घुमा के खिलाने से बकरियों के लिए क्या फ़ायदा है उसको मैं बताता हूँ। तो बाहर अगर घुमा के खिलाएगा तो अपना पसंदीदा जितना भी पत्ते होते हैं, वो जितना किस्म का अपना पसंद का पत्ते होते हैं उसको बकरियों के लिए यहाँ मिल जाता है और वो लोग खा सकता है। तो इसमें उन लोग को खुशी मिलता है, साथ ही साथ पूरा भरपूर ये जो न्यूट्रिशियस ये जो पत्ते होते हैं उसको खा, ये ग्रीन लीव्स मतलब हरा पत्ता होता है उसको खाने के लिए मिल जाता है। तो जो वो लोग अपना शरीर के लिए जितना पोषक तत्व का जरूरी होता है उसको यहाँ पे मिल जाता है। इस प्रकार से ये अपना ये जो हरा पत्ता जंगल से चुन चुन के खाता है, तो वो लोग को भरपूर पोषक तत्व मिल जाता है। इसमें फ़ायदा ये है वो लोग का शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, और साथ ही साथ इससे बच्चों के लिए भी अच्छा दूध बनता है, तो बच्चों का विकास भी अच्छा होता है। और ये जो जितना ज़रूरी उन लोग के लिए अपना पेट के लिए, बच्चों का पेट के लिए ये जो दूध होता है उसको वो लोग अच्छा से आराम से दे पाता है। लेकिन हम लोग जब अपना घर पे पाल लेता है, हम 2 साल का एक्सपीरियंस है, स्टॉल फीडिंग बोलते हैं हम लोग, ये जो अपना बकरियों को बाहर नहीं बोल के घर का अंदर हम खिलाता है, तो उसको स्टॉल फीडिंग कहा जाता है। स्टॉल फीडिंग पे डालने से क्या होता है, हम अपना ये जो पत्ता हरा पत्ता जंगल जाके खाद के ले आना पड़ता है, तो भी पूरा जितना ये लोग जंगल में आके खा सकता है मतलब मिल जाता है उसको हम लोग पूरा भरपूर ये नहीं ला के नहीं दे सकता है। तो वो लोग को एक हम ला भी देता है तो एक ही एक दो पत्ता ही या 3-4 पत्ता ही, मतलब जंगली पत्ता मतलब हरा पत्ता, ये जो घास होता है पौधा होता है उसको ही लाके खिला सकता है। तो इन लोग को एक ही पत्ता को खाने के लिए वो लोग अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग हो जाता है, इसलिए वो लोग अच्छा से नहीं खा पाता है। तो अच्छा से नहीं खा पाने से पेट भी नहीं बढ़ता है, जब पेट अच्छा से नहीं बढ़ता है
तो बच्चों के लिए भी अच्छा से दूध नहीं बनता है तो बच्चा भी कमजोरी हो जाता है, कुपोषण का शिकार बन जाता है। तो धीरे धीरे जो ज़्यादा ही कमजोरी हो जाता है वो मरने का भी चांसेस रहता है। तो इसलिए हम अपना तरफ से हम ये जो बाहर पे घुमा के खिलाना इसको ही हम पसंद करता हूँ। तो बाहर जब घूम के खिलाता है तो इसमें मेरा अपना खर्चा भी बच जाता है। हम जब ये बकरियों को स्टॉल फीडिंग पे रखता है, हम 2 साल का एक्सपीरियंस है, हम 2 साल स्टॉल फीडिंग पे रख के देखा है। तो इसमें क्या होता है, हम खरीद के भी देना पड़ता है, साथ ही साथ अगर खरीद के नहीं देता है जंगल जाके हम पत्ता तोड़ के ला देता है भी तो हम वाहन का ज़रूरी होता है। बिना वाहन से इतना सारा बकरियों का ये जो खाने के लिए पत्ता ले आना मुश्किल होता है, उठा के ले आना मुश्किल होता है, इसलिए हमको जो वाहन का ज़रूरी होता है उसमें क्या होता है एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, तेल का खर्चा। तो इसमें तेल का खर्चा और ये जो जंगल पे ले जाने से ये जो वाहन जो होता है गाड़ियाँ है जो तो जो होता है उसको जंगल पे ख़राब रास्ता पे ले जाना पड़ता है, तो गाड़ी का ख़राब होने का भी चांसेस और ख़राब भी हो जाता है। तो इसमें मेंटेनेंस में भी मेरा पैसा चला जाता है। तो इसमें इस हिसाब से आप पालेंगे तो थोड़ा माने ये जो फ़ायदा कम होता है, क्योंकि वाहन का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा और ये जो तेल का खर्चा में चला जाता है। तो उसका साथ साथ हमको खरीद के भी कुछ कुछ मिला के देना पड़ता है, उसमें भी मेरा खर्चा चला जाता है। लेकिन जब हम अपना ये जो बकरियों को बाहर पे घुमा के ले जाता है, खिलाता है, ले जाके खिलाता है तो मेरा पैसा बच जाता है, ये जंगल जो है फ्री में आ जाता है। और साथ ही साथ ये जो मतलब अच्छा पोषण भी हो जाता है, यह अपना पसंदीदा पत्ता चुन चुन के ओलू खाने का साथ ओलू को खुशी भी मिलता है। जब खुशी होता है तो शरीर भी अच्छा होता है, हेल्दी होता है। इस हिसाब से अगर आप पालेंगे तो बीमार से भी बच जाता है। ये है बाहर घुमाने का एक फ़ायदा, बाहर में खिलाने का फ़ायदा। और दूसरा बात ये है अगर हम बाहर घुमा के खिलाएंगे तो ये जो बकरियाँ जो होते हैं उन लोग का विकास भी अच्छा होता है, क्योंकि उन लोग को ये जो एक्सरसाइज मिल जाता है। जब एक्सरसाइज मिलता है तो उसमें क्या होता है विकास होने का भी अच्छा ये रहता है। तो जब एक्सरसाइज नहीं होगा तो बीमार भी पड़ जाता है, घर में बैठे रहेगा तो खाना भी इतना अच्छा से नहीं खा पाता है। तो इस हिसाब से शरीर के लिए भी अच्छा होता है। और बाहर जो पत्ता मिलता है उसमें पूरा का पूरा ये लोग का जो पसंद का होता है उसको खाता है, तो पूरा का पूरा ये जो पोषक मतलब ये जो पोषक तत्व मिल जाता है। इसमें क्या होता है इसका हिसाब से वो लोग का शरीर भी सुंदर होता है। तो सुंदर होने से ये जो ये कस्टमर ग्राहक को भी आकर्षक हो जाता है। तो इसमें अच्छा मुनाफा मतलब फ़ायदा भी मिल जाता है और मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाता है और मार्केट से रिटर्न भी नहीं आता है। तो कोई भी आके देखता है तो फार्म पे आके देखता हो है तो पसंद करके अपना ये जो बकरी वो लोग मेरा डिमांड का हम जिस हिसाब से बेचना चाहता है उसको दे के आराम से ले जाता है। ये है। और उसके बाद एक बात याद रखना है, आपको मैं बता दूँ कि बकरी हम जंगल पे पाल रहा है मतलब ग्रेजिंग करा रहा है, बल्कि आप बकरियों को बाहर छोड़ के आप वापस आके घर में आराम से बैठते रहने से वो नहीं होगा, क्योंकि बकरियों को ऐसे अपना हिसाब से छोड़ के अपना मन मर्जी जंगल में घूमने देता है तो दिन भर घूमते रहेंगे लेकिन वो अपना ये जो पेट नहीं भर पाता है, क्योंकि वो लोग को सोचता है मेरा साथ कोई देखने वाला नहीं है, हम लोग कुछ भी करके रहने से भी कुछ भी नहीं होगा बोल के वो लोग इतना अच्छा से भर पेट नहीं खा पाता है। लेकिन हम जब इन लोग का साथ घूम के
इन लोग को देखेंगे तो वो लोग को पता चलता है कि हम लोग का साथ अभी मालिक है, और मालिक जब रहता है तो अच्छा से नहीं खाने से वो लोग मालिक जो नाराज़ होगा बोल के वो लोग अच्छा से खा लेता है। और हम ऐसा एक मेरा एक तरीका है जो बकरियों को मैं बाहर निकाल के हम 2 घंटा ही चराव पे डालता हूँ, उसका बाद हम वापस ले आता है। तो उन लोग को मालूम होता है कि हमको 2 घंटा ही समय दिया गया है, इसी 2 घंटा में हम अच्छी तरह खा लेना चाहिए, भरपेट खा लेना चाहिए, लेकिन नहीं तो ये जो समय निकल जाएगा तो हमको खाने का मौका नहीं मिलेगा। उस सोच में वो लोग जल्दी जल्दी खा के 2 ही घंटा में पेट भर देता है, लेकिन हम ऐसे छोड़ देंगे तो वो लोग भटक भी जाने वाला होता है, गायब हो जाने वाला होता है, और कोई ख़राब नियत वाला व्यक्ति वो लोग को मिलने से कोई लोग उठा के भी ले जाने का चांसेस होता है। लेकिन अभी तक मेरा ऐसा इंसिडेंट कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम अपना ये जो बकरियों को हम साथ में रह के अच्छी तरह देख के हम अच्छा से पालता है। उसके लिए आपको मैं सामने से दिखा दूं, हम साथ में अच्छी तरह रह के बकरियों को खाने देने से कितना, मतलब बकरियों का बकरी कितना सुंदर होता है उसको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए बहुत सुंदर है, ये भी देखिए मेरा बकरी, जितना मेरा बकरी है पूरा सुंदर है, इसको कोई भी आके देखने से भी वो लोग को आकर्षक हो जाता है, आपका बकरी इतना सुंदर है बोल के कमेंट भी करता है। तो इसलिए साथ में रह के खिलाना बहुत ज़रूरी है, गायब भी होने का चांसेस नहीं होगा, वो लोग का अच्छी तरह पेट भर खाने का भी चांसेस है, पेट भर खा लेगा जब आप साथ में रहेंगे। अगर हम इससे थोड़ा सा हट जाएंगे 10 मिनट के लिए, वो लोग क्या करेगा, अपना जहाँ तहाँ जिसमें पसंद होगा घूमते रहेगा, लेकिन नहीं खाएगा, ऐसा ही वो लोग का कैरेक्टर होता है। तो लेकिन हम लोग अपना साथ या अपना साथ रख के वो लोग को खिलाने से ऐसा ही एकदम अच्छी तरह खा लेता है। तो देखिए इतना अच्छा से खा रहा है, तो हमको लगता है कि ये लोग 2 घंटा क्या 1 घंटा में ही पेट भर लेंगे, ऐसा लगता है। तो देखिए पूरा का पूरा जून इकट्ठा हो गया, तो हम साथ में रहेंगे तो ऐसा ही इकट्ठा करके वो लोग अपना वजन कर लेता है, लेकिन हम साथ में नहीं रहेंगे तो ये 4, 5, 6 फर्ती बन जाएगा, और हमको फिर ढूंढने में भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी, मतलब हमको बहुत तकलीफ़ भी मिलता है। लेकिन हम अपना साथ ऐसा रखेंगे तो ये भी गुम होने का चांसेस भी नहीं रहता है, कोई आदमी चुरा लेने का भी चांसेस नहीं रहता है, और हमको ढूंढने में भी तकलीफ नहीं होता है, मुसीबत दिक्कतें नहीं आती है। तो इसलिए हम अपना तरफ से ये अपने लिए ये जो सर्टिफाई कर लेता हूँ कि बकरियों को ऐसा ही पालने से फ़ायदा है, पैसा के लिए भी ये जो बच जाता है, इसका वैल्यू भी बढ़ता है, मार्केट वैल्यू भी बढ़ता है, और बच्चों के लिए भी ये लोग अच्छा से वो लोग पेट भर के ये खा लेता है, तो बच्चों को भी दूध अच्छा से दे पाता है, और इसे होने से बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा बने रहते हैं, और साथ ही साथ विकास भी होता है, साथ ही साथ वो जो ये जो बकरियों को ये जो एक्सरसाइज भी मिल जाता है। तो इसका बारे में ही मैं बताने के लिए आप आज इस वीडियो को बनाया है। तो एक बात ऐसा भी है जो बकरियों को आप हम समझते हैं ये तो जानवर है, ये लोग कुछ भी नहीं समझ पाएगा, लेकिन देखिए कैसा समझता है, हम साथ में रहता है तो ये बकरी इतना डिसिप्लिन में रहता है, और उसका हिसाब से पत्ते भी अच्छा से थोड़ थोड़ के खा रहा है। उसका बाद ये भी है बकरियों को समय का भी ये जो वैल्यू मालूम होता है, हम साथ में रहेंगे तो हम 2 घंटा ही समय देता है इन लोग को खाने के लिए, इसी 2 घंटा में हम साथ में रहेंगे तो और बाहर चराएंगे तो पूरा पेट भरपेट खा लेता है, और बकरियों का के लिए चिंता करने का कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो इस के कारण मैं रिकमेंड अपना तरफ से अपने लिए ये जो बाहर चरा के खाने का ही रिकमेंड करता हूँ। मैं 2 साल ये स्टॉल फीडिंग पे भी मैं पाल के देखा है। तो स्टॉल फीडिंग पे क्या होता है, वो लोग अपना पसंदीदा पत्ता पूरा नहीं मिलता है तो अच्छा से नहीं खा पाता है, तो वो लोग का शरीर का विकास भी कम हो जाता है, दूध भी नहीं बनता है, तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छा नहीं होता है,
जो मार्केट वैल्यू भी, जो बकरी ही सुंदर नहीं होगा तो कोई पसंद भी नहीं करता है, आकर्षक नहीं होता है, तो मार्केट वैल्यू भी कम हो जाता है। इसलिए मैं इसी को रिकमेंड करता हूँ अपने लिए, अपना हिसाब से, तो अपना एक्सपीरियंस का ये जो 5 साल का बकरी, 5 साल में जो बकरी हम पाल के एक्सपीरियंस मिला है उसका हिसाब से यही इसी को हम ठीक लगता है। तो फिर हम आपको बहुत सा चीज़ बताने के लिए है, तो एक वीडियो में हम बता नहीं पाता है क्योंकि आप भी बोरिंग हो जाएंगे, एक ही वीडियो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि लगेगा। इसलिए मैं यहाँ पे ये जो वीडियो हम समाप्त करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको फिर एक बार बोलना चाहता हूँ, आप ज़रूर मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा ये जो 5 साल एक्सपीरियंस का, मेरा एक्सपीरियंस जितना 5 साल में मिला है बकरियों का बारे में, मैं आपको बताते जाएंगे, तो उसका हिसाब से आप जो भी बकरी पालने का इंटरेस्ट है, पालने के लिए सोच रहा है, इस वीडियो को से देख के, मेरा ये यूट्यूब चैनल से आप ये सीख के आप अच्छी तरह बकरी पाल सकता है। हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, पूरा का पूरा सही बात बोलेंगे, तो कैसा उसको ये जो मेडिसिन कैसा देना है, वैक्सीन कैसा देना है और क्या क्या बहुत कुछ बकरी पालने के लिए ज़रूरी वाला चीज़ होता है, तो हम आपको समझाते जाएंगे। तो इसलिए आप जैसा भी मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल, ये जो अगर आप वीडियो मेरा ये जो यूट्यूब ये जो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपका पास आपका फ़ोन पे ये जो नोटिफिकेशन, मेरा जो वीडियो का नया वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेंगे, उस हिसाब से आप बकरी पालने का ये जो तरीका भी सीख जाएंगे, तो आप इससे आनंद भी मिलेंगे क्योंकि हम दिखाएंगे बकरी कहाँ कहाँ पे जाता है, हम बकरी को कैसा खिलाता है उसको भी दिखाते जाएंगे, और बकरी कैसा बच्चा देता है, बकरी को बीमार होने से कैसा इलाज करता है, वो सब बताते जाएंगे। तो आप बने रहिए और हम इसी पे आज का ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। तो आप सभी को फिर से मैं ये जो थैंक्स देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप सभी ने मेरा वीडियो एंड तक देख दिया और सब्सक्राइब करने के लिए आप सब सोच रहा है, मैं उसको वेलकम करता हूँ। इसी का साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।